हाय फ्रेंड, मैं हूँ मोहम्मद इलियास। आप देख रहे हैं शहर फैशन। दोस्तों, आज हम आपको कुर्ता पट्टी बनाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कपड़ा लेंगे, कपड़े को दो पट्टी काटेंगे, 3 इंच की पट्टी काटेंगे हम। जैसे कि हमको तावीज़ बनाना है, कुर्ता पट्टी 9 इंच के बाद तावीज़ बनाना है, तकरीबन 10.5 इंच का। तो हम तकरीबन 12 इंच की पट्टी काटेंगे, बड़ी काटेंगे, बाद में हम उसको काट के छोटा कर देंगे। पट्टी काटने के बाद नीचे तकरीबन 2 इंच पे हम ऐसे कट लगा देंगे। उसके बाद में हम फ्रंट को लेंगे, फ्रंट पे हम इसको सीधा बीच से निशान करके हम नापेंगे 9.5 इंची। 9.5 इंची के बाद में हम निशान लगा के बीच से काट देंगे। काटने के बाद में यहाँ पे हम एक कट इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, आधा आधा इंच पे। उसके बाद में हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद एक पट्टी लेंगे, फिर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला के रखेंगे और फिर इस पर सिलाई करेंगे। एकदम एक दाब की सिलाई लगाएंगे इस पर, एक बूट की। उसके बाद में नीचे पहुँच के इसको हम उस जो हमने चेका जहाँ पे लगाया था उसको फोल्ड करके नीचे की तरफ कर देंगे। फिर दूसरी पट्टी लेंगे, दूसरी पट्टी लेने के बाद सीधा रखेंगे और ऊपर तक सिलाई करते हुए निकाल देंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देंगे। एक्स्ट्रा काटने के बाद में नाखून मार लें या प्रेस लगा लें अच्छे से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले बटन वाली पट्टी को मोड़ेंगे। जैसे हमको ऊपर की पट्टी बनानी है 1 इंच की, तो नीचे वाले को 1 सूत कम रखेंगे। ऐसे फोल्ड करके हम धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छे से आप फोल्ड करते रहें और सिलाई लगाते रहें। जितना अच्छा बराबर आप फोल्ड करेंगे उतना अच्छा ही फिनिशिंग आएगा। कम ज़्यादा ना करें, इससे फिनिशिंग बिगड़ जाती है। ऐसे फोल्ड कर लें, उसके बाद में सिलाई लगा दें। उसके बाद में धागे को अच्छे से काट दें। नीचे जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम काट देंगे। उसके बाद में हम इसको मशीन के नीचे ऐसे घुसा देंगे। उसके बाद में जो नीचे वाली पट्टी है हम उसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेंगे। उसके बाद में ऊपर वाली पट्टी को हम फोल्ड करेंगे 1 इंच पे लगभग। उसके बाद में हमारा जहाँ पे पॉइंट आया है, जहाँ पे हमने वहीं से शुरू करना है। उसके बाद में हम टाँकी मार के फिर नीचे की तरफ घुमा लेंगे कपड़े को, पीस को। उसके बाद में हम यहाँ बनाएंगे तावीज़ पॉइंट, जो हमारा कुर्ता पट्टी बनेगा। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, वहाँ से तकरीबन उसका पॉइंट 1.5 इंच रहे, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा ना करें। 1.5 इंच से ज़्यादा हो जाता है तो लंबा दिखता है और 1.5 इंच से कम रहता है तो छोटा लगता है। तो आप हमेशा 1.5 इंच की ही तावीज़ पट्टी बनाएं नीचे। उसके बाद में अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएं। अच्छे से फोल्ड करते रहें और सिलाई लगाते रहें। फिर हम सिलाई को उतारने के बाद में धागे को अच्छे से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको जो है आधा पैक कर देंगे। ऊपर जितना हमें खुला छोड़ना है, तकरीबन 7.5 इंच हम ऊपर से नाप लेंगे। नापने के बाद निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में हम इसको आधा बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पूरा ओपन नहीं चाहिए, आधा ही ओपन चाहिए। ऊपर एक दो हुक लगा देंगे, बाकी ऊपर से 100 वाली बटन लग जाएगी। ऐसे हम इस पे टाँकी लगा देंगे। टाँकी लगाने के बाद हम धागे को अच्छे से साफ कर लेंगे, काट देंगे दोनों तरफ से धागों को। ये देखिए दोस्तों, कितनी फिनिशिंग के साथ
कुर्ता पट्टी बन चुकी है, बहुत अच्छा ही लुक आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।